अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन और मोमिनात, मैं डॉक्टर निहाल अब्बास बात कर रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अल रिसालत कैरिटेबल ट्रस्ट का और अंजुमन यशवंतपुर का, जो इस कोरोना की बीमारी से प्रिकॉशन लेने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। एंड मैं मोमिनीन को सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बुखार और सर्दी कोरोना आने से पहले भी था। अब जैसे कि ये वेदर में बुखार और सर्दी आना बहुत कॉमन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना आके है करके। सो सब लोग परेशान मत होइए। और दूसरा ये बोलना चाहता हूँ मैं कि कोरोना से बचने के लिए दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आप लोग अब देख रहे हो कि कोरोना की बीमारी कैसे फैल रही है और हमारी कौम में भी कैसे फैल रही है, और बहुत से लोगों को पॉजिटिव भी आ गया है और बहुत से लोग मर भी गए हैं। तो अब इससे बचने के लिए दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट बात यह है कि कोरोना से कैसे बचे। कोरोना से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोग अपने घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए, और बेवजह बाहर जाने से लिए से बचें। जैसे कि होटल के पास जाके बैठना, उसे अवॉइड करें। और बहुत इम्पोर्टेंट, अगर बाहर जाना है तो मास्क डाल के जाइए और बाहर लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और सोशल गैदरिंग को जितना हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए, और घर को वापस आते ही हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। 2 मिनट आप साबुन से हाथ धोइए। और दूसरी बात यह है कि जितना आप लोग लोगों से दूर रहते हो उतना आप लोग कोरोना से महफूज रहते हैं। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट चीज यह है कि अगर खुदा ना खास्ता कोरोना आ गया तो भी आप लोग परेशान मत होइए। इम्पोर्टेंट यह है कि परेशान मत होइए, बिकॉज 98% लोग सेफ है कोरोना से। अगर आ गया तो भी 98% लोग सेफ है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे जवान लोगों का इम्यूनिटी अच्छा रहता है और वो खुद छोटी सी वायरल फीवर जैसे बुखार से कोरोना वायरस एंड हो जाएगा, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उनको कोरोना आया था और चला भी गया। अब रही बात ये 2% लोग जो बहुत ज्यादा एज होके हैं, या जो बहुत छोटे बच्चे 1 साल के अंदर जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो है, ये लोग थोड़ा बहुत एहतियात से रहना है। तो इन लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन्स की जरूरत है। तो आप लोगों को जो भी लाइक बुखार या जो भी कोरोना के सिम्टम्स जैसे कि फीवर या कॉफ या गले में दर्द ऐसे कुछ है, तो आप लोग प्लीज डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, और डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको क्वारंटाइन का सब सोचिए मत, क्योंकि अभी क्वारंटाइन तो होम क्वारंटाइन ही है। तो अगर कोई सिम्टम्स है तो प्लीज अपने कौम के डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, और वो आपको बताएंगे कि घर में ही कौन से मेडिसिन लेना है, क्या करना है करके। और अगर हॉस्पिटल की जरूरत है तो हम लोग आपको गाइड करेंगे कहाँ जाना है, कैसे करना है, या घर पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर है चाहिए कि, क्योंकि बहुत से लोग बता नहीं रहे हैं उनको बुखार है, तो भी लास्ट मोमेंट में जब ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ड्रॉप हो रहा है और इमरजेंसी हॉस्पिटल को लेके जाए गए तक लोग मर जा रहे हैं। तो इसीलिए कुछ भी हो, हमारे अंजुमन से ये बहुत अच्छा स्टेप ये लेके है कि हर एरिया के हमारे कौम के डॉक्टर्स और बहुत से वॉलंटियर्स मिलके एक एक ग्रुप बना के है। तो आप इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी अगर आपको थोड़ा सा भी फीवर या जो भी मेडिकल रिलेटेड इश्यूज है तो आप कॉल कीजिए। आपकी हर एक चीज कॉन्फिडेंशियल रहती है, जैसे कि आपको बुखार है मेरे को कॉल करके बोला, तो मैं आपको बुखार आया सो कोई और लोग को नहीं बोलूंगा। इट विल बी टोटली 100% कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी को बताया नहीं जाएगा, एंड आप लोगों को हम गाइड करेंगे। अब जैसे कि हमारे मोहल्ले में यशवंतपुर, भूपचंद्रा और आरटी नगर में अगर कोई भी आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड इश्यूज है तो आप लोग मेरे को या सदर साहब को या सेक्रेटरी साहब को या वॉलंटियर्स जैसे कि जाफर अली अंकल या जीशान भाई या रोशन अली भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हो, या जहीर भैया को। और कोई भी अगर मेडिकल रिलेटेड इश्यूज है तो आप लोग हमें कॉल करें, क्योंकि वो क्या है, हम सुनने के बाद क्या घर पे ही मेडिसिन क्या ले सकते हैं बोलते हैं, और अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कौन से हॉस्पिटल को जाना सब। और सब मोमिनीन को ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है उतना घर पे रहे और ये बीमारी को फैलने से बचाइए, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स पूरे, खासकर बैंगलोर में पूरे हॉस्पिटल्स और आईसीयूज फुल होके है। तो हम लोगों को घर में ही ट्रीटमेंट देने के लिए
ट्राई कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर सब अंजुमन से देके। सो एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सकता होता ये बीमारी से बचे, बाहर जाने से बचे, और कोई भी खासकर मोमिनिन ऑफ यशवंतपुर और भूपसंद्रा एंड आरटी नगर का, अगर कोई भी लोगों को एनी मेडिकल इश्यूज है तो आप प्लीज मेरे को या वॉलेंटियर्स जैसे कि जाफर अली अंकल या सदर साहब या सेक्रेटरी साहब को या जीशान भाई या रोशन भाई के नंबर को आप कांटेक्ट करें और हमें इन्फॉर्म करें। हम लोगों से जितना हो सकता है उतना हम मेडिकल इश्यूज आपका सॉल्व करेंगे या जो भी जरूरत है उतना हम सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। वस्सलाम अलैकुम। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट